बात हो रही है गर्मी की, सोलर प्लेटों की और सोलर पैनल की। आज मैं आपको पांच टॉप कंपनीज पाकिस्तान की बताऊंगा जो कि सोलर इन्वर्टर आपको पाकिस्तान में बेचते हैं, उनकी वारंटी कितनी होती है, कीमत किससे किस रेंज में होती है, आपको कौन सा लेना चाहिए, ये फैसला आपने खुद करना है, प्रॉपर चेक करके जेन्युइन चीज़ लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फैसल शाह, आप देख रहे हैं वॉफ डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन समझ चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, इन्वर्टर क्या होता है? सोलर इन्वर्टर मैं पहले बता चुका हूँ, छत के ऊपर लगी प्लेट, उस प्लेट से तार नीचे आई, आके एक डिवाइस में लगी, एक डब्बा सा होता है, उस डब्बे का काम होता है 12 वोल्ट डीसी करंट को एसी करंट यानी 220 में कन्वर्ट करना। वो करंट आगे आपके घर की चीज़ों को चलाएगा, तो वो डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर काम नहीं होने का। और उसी डब्बे से अगर कैपेसिटी ज़्यादा है और आप कम यूज़ कर रहे हैं तो आप वापडा को भी बिजली बेच सकते हैं, लेकिन आप उसे सोलर इन्वर्टर कहा जाता है। पूरा सेट है, सोलर प्लेट प्लस सोलर इन्वर्टर, ये दोनों चीज़ें मिलकर सेट बनता है। अच्छा जनाब, टोटल पांच कंपनियां पाकिस्तान में इस टाइम टॉप हैं, जिसमें कि सबसे नंबर वन पे जो है प्लेटों में भी यही थी और सोलर पैनल में भी यही है, वो है इन्वरेक्स। जनाब इन्वरेक्स की कम से कम वारंटी जो उसकी, जो समझे कि उसका जो पैनल है उसकी 25 साल होती है, जो प्लेटें होती हैं छत पे रखी हुई, और जो सोलर इन्वर्टर है उसकी कम से कम वारंटी 10 साल है। और थोड़ा सा महंगा होता है मार्केट के हवाले से, बट अ गुड थिंग, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसको यही लेना चाहिए। दूसरे नंबर पर जनाब हुंडाई है। हुंडाई एक कंपनी है, हुंडाई के यूपीएस भी आते थे किसी ज़माने में, अब उसके सोलर पैनल भी आते हैं और सोलर प्लेटें भी आती हैं उसकी, और सोलर इन्वर्टर भी आता है उसका, जो कि बेहतर है, बहुत बेहतर है। होमेज और हुंडाई ये दोनों इकट्ठे ही आते हैं, कीमतें इन सब की मिलती जुलती हैं, मैं एंड पे बताऊंगा। अच्छा, आप तीसरे नंबर पर होमेज है। होमेज के यूपीएस बहुत फेमस थे, मैं पर्सनली होमेज को लाइक करता हूँ बड़ा, वारंटी उसकी भी 10 साल है और वो भी आप ले सकते हैं, वो अच्छी चीज़, अच्छा काम करता है। चौथे नंबर पर जनाब रॉक्स है, थोड़ी सी लो लेवल कंपनी है, तो पहले टॉप थ्री ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। पांचवें नंबर पर जनाब टेस्ला और मैक्स पावर, मैंने दोनों को रखा है। ये पांच मेन कंपनीज है, इसमें से जो सी आपको पसंद आती है, आपने बस एक बात का ख्याल रखें, जेन्युइन होनी चाहिए, कोशिश करें उनके अपने जो कंपनी का जो डिस्प्ले है उससे लें, उसकी वारंटी कार्ड वगैरह प्रॉपर संभाल के रखें, उसके पावर को अच्छे से चेक करें। तकरीबन 30% पावर लॉस होती है, यानी अगर आप समझे कि 1000 वाट का ले रहे हैं तो वो एक्चुअल में 750 से 800 वाट का, वही जो यूपीएस का किसी ज़माने में हाल होता था वही कुछ इनका भी है, बस फर्क ये है कि यूपीएस वापडा से हो रहा है और ये सोलर से हो रही है। अच्छा, हम ये प्राइस के हवाले से मैं आपको बता दूं, प्राइस रेंज इनकी जो सबसे सस्ता है वो 26-27 से 30 से यानी समझे कि स्टार्ट होके और ऑल द वे 2-2.5 लाख तक जाता है जो घर में लगने वाले हैं, और जो बाहर यानी समझे इंडस्ट्रियल हैं या जो कमर्शियल हैं वो तो 5-5, 10-10 लाख के भी होते हैं, बट हमारा स्कोप घर के हद तक है। तो ये सबसे लो पावर यानी 1000 वाट का है वो आपको मिलेगा 30,000 का। इसी तरह से जैसे जैसे आप कैपेसिटी बढ़ाते रहेंगे तो आपकी इसकी वो भी बढ़ती रहेगी। आगे फ्यूचर में सीरीज वीडियोज आएंगी अलग अलग किलो वाट के हवाले से, प्रॉपर उसमें प्राइस डिस्कस की जाएगी, कितने का प्लेट आई, कितने का इन्वर्टर आया, कितने की सेटिंग, सारा कुछ। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये पाँच बेहतर वीडियो है कंपनीज जो आप ले सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।